हेलो तुला राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, तो जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं उतने मैसेज आप लीजिए, जितनी गाइडेंस आपको चाहिए उतनी गाइडेंस आप लीजिए, बाकी को आप ध्यान मत दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम तुला राशि के लिए, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग कैसी है और फाइनली आउटकम क्या रहने वाला है, वो उनसे क्या चाहते हैं, ये हम जानेंगे आज। स्टार्ट करते हैं तुला राशि। तुला राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? तुला राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? द टावर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड टेम्परेंस। ओके, जो देख रहे हैं व्यूअर्स तुला राशि, उनकी करंट फीलिंग अभी क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तुला राशि, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, या फिर एक दूसरे से आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात हुई है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए पोज लेना चाहिए, कुछ टाइम के लिए यहीं रुक जाना चाहिए, अभी बात नहीं करनी चाहिए, या फिर अभी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने का सही समय नहीं है। मतलब कुछ भी, आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका रिलेशन कुछ टूट गया है या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए ब्रेक की जरूरत है आपके इस रिश्ते को, कुछ टाइम के लिए समझने की जरूरत है कि आप दोनों जो कर रहे हैं, जिस तरह एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो सही है? एक दूसरे के साथ जो आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के हो रहे हैं, क्या वो सही है? तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा सा डीप में जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिससे भी गाइडेंस लेना चाहते हैं कि किस तरह मुझे बैलेंस लेना चाहिए। मुझे कहीं ऐसा भी लग रहा है, चैनल मैसेज मिल रहे हैं कि थोड़ा सा आप डाउट कर रहे हैं अपने पार्टनर पे, डाउटी आप हो रहे हैं, बार बार किसी बात पे शक करना, बार बार उनको सवाल करना और उन पे विश्वास नहीं करना, उनको हर वक्त पूछते रहना तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। ये गर्ल के लिए भी हो सकती है कि तुम कहाँ हो, कैसी हो, क्या कर रही हो। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन की वजह से आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं, मुझे डोमिनेट किया जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, किसी को भी राइट नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है या आपके पार्टनर को फील हो रहा है, और सॉरी, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, इसकी वजह से उन्होंने कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया है। आपके पास मैसेजेस आना थोड़ा कम हो गए होंगे, या फिर कट टू कट बात हो रही होगी, आपने कुछ पूछा तो उसका रिप्लाई आपको एक ही वर्ड में मिल रहा होगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बट आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स में कोई चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। आप जैसा पहले उनको पसंद करते थे उतना ही आज भी उनको पसंद करते हैं, बस थोड़ा सा समझने के लिए, उनको समझने के लिए आपने थोड़ा टाइम रोका है अपने आप को। आपके जो पार्टनर है वो सेजिटेरियस धनु राशि के हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, और द टावर का कार्ड यहाँ पर आया है जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ बात मैटर कर रही है अभी आपके रिश्ते में। हो सकता है आपके पार्टनर को अभी फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से भी उन्होंने अपना फोकस थोड़ा सा हटा दिया है आप पर से और अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ मैं आपकी एनर्जी को चेक करूँ तो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा है आपको कि बस अभी मैसेज आ जाए। बार बार फोन चेक कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि इंस्टा पे आ रहा है कि किस पे आ रहा है, मतलब बार बार आप हर जगह अपने पार्टनर के मैसेज का वेट कर रहते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप भी उन्हें बार बार मैसेज करके और पूछ रहे हो कि क्या कर रहे हो, कैसा है, आपने मैसेज क्यों नहीं किया। तो ये बहुत सारे सवाल आपकी तरफ से भी अभी हो सकते हैं कि हो रहे हो, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अभी आपको लग रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा कनेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है तो वो अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जैसे ही आपके पार्टनर ने आपको मैसेज करना कम कर दिया है, बात करना कम कर दिया है,
आप उनकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्टिव अट्रैक्शन फील कर रहे हो, और बहुत फायर वाली एनर्जी, अभी जुनून वाली एनर्जी कि एक मैसेज आ जाए मैं तो मना ही लेने वाला हूँ या मैं मना ही लेने वाली हूँ, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट हम कार्ड से देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी क्या है। तुला राशि, तुला राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग, मैन होल्डिंग अ कॉइन, यस, मैजिशियन एंड द मिरर, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, दो दो बैलेंस कार्ड यहाँ पर है जो कि मुझे दिखा रहे हैं कि अभी आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रख लिया है, बहुत ही ज्यादा, मतलब वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है यहाँ पर, बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे हैं अभी, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अभी डिसीजन नहीं लेना है, मैं अभी कंफ्यूज हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे चेंज की जरूरत है थोड़ा, तो उनमें अलग सी एक कहते हैं ना स्ट्रेंथ सी आ गई है, उनमें बहुत स्ट्रेंथ आ गई है, थोड़ा सा वो फाइनेंशियल को भी, अपने फाइनेंस को भी पे भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अभी, जब इंसान अपनी इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाता है तो वो अपना फोकस अपने करियर में, अपने फाइनेंस को और ज्यादा बढ़ाने में, इसमें लगा देता है, तो वो ही सेम पीरियड उनका अभी चल रहा है, उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने करियर पे लगा दिया है कि ठीक है अभी मुझे जितना मुझे अर्न करना है मैं अर्न करूंगा, जितना मुझे आगे बढ़ना है मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे फोकस नहीं करूंगा, तो अभी वो इमोशनली बहुत बैलेंस है, उन्हें पता है कि उनमें पेशेंस आ गया होगा, पहले हो सकता है कि वो हर बात पे जल्दी से इरिटेट हो जाते थे, झगड़ा करने लग जाते थे, बहुत सारे सवाल करते होंगे, लेकिन अभी इस वक्त थोड़ी मेच्योरिटी उनमें आ गई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें पता है कि कब चुप रहना है कब बोलना है, ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कहती है कि यस, वो बहुत स्ट्रेंथ उनमें आ गई है, बहुत समझदार वो हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगे हैं, लाइफ में इतने सब कुछ उन्होंने देखा है कि अब उनमें बहुत सारे चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको भी उनमें बहुत सारे चेंजेस दिख रहे होंगे, और अगर सच में आपको भी ऐसी सिचुएशन है तो आपके लिए उनका प्यार कम नहीं हुआ है, लेकिन अभी उनका फोकस चेंज हो गया है अपनी लाइफ को लेकर, जो उनका फोकस रिलेशनशिप में था, जो उनका फोकस आप पे था, वो अभी फोकस उन्होंने अपना सारा करियर पे डाल दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल बनना है, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली नजर आ रही है। और कार्ड्स लेंगे हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी क्या कह रही है। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की करंट एनर्जी, इनसिक्योरिटी, यस, बहुत ही कार्ड के साथ मैच हो रहे हैं ये सब मैसेजेस। फेथ, कंफ्यूजन, यस, मैंने बोला ना वो कंफ्यूज है अभी कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस पर्सन के साथ डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूँ इसके साथ कंटिन्यू करने में, तो थोड़ा कंफ्यूजन भी है और इनसिक्योरिटी भी है कि मेरा दिल ना टूटे कहीं, वो अपने आप को सेफ करके भी चलना चाहते हैं, जो भी पार्टनर उन्हें लाइफ में मिले अब ऐसा हो जो उनको, जो उनका परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, उनकी उनका अभी अंदर का मन ये कह रहा है कि अब जो भी मेरी लाइफ में आए वो मेरे को समझे, मेरी फैमिली को समझे, मेरी कंडीशन को समझे, मेरी फाइनेंशियल स्थितियों को समझे, तभी मैं उसके साथ अब फिक्स करूंगा फिर से, अभी उनका ये मानना है, वो कंफ्यूज है थोड़े से, इसलिए उन्होंने ब्रेक लिया है, पोज लिया है, इसलिए आपकी बातचीत अभी बंद है, लेकिन फेथ बहुत स्ट्रांगली उनका जो विश्वास है वो डिवाइन पे विश्वास है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को कि यूनिवर्स जो आपको ठीक लगे मेरे लिए आप वो करिए, मुझे बस एक अच्छा पार्टनर चाहिए जो मेरी लाइफ में हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी सक्सेस को सेलिब्रेट करे मेरे साथ और हैप्पीनेस रहे मेरी लाइफ में, तो उन्होंने यूनिवर्स को बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, अभी वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं क्योंकि थॉट्स ही क्लियर नहीं है, कंफ्यूज्ड है पर्सन कि क्या करूं, तो इसलिए अभी वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक पे, ऐसा नहीं है कि वो किसी और से जाके बात कर रहे हैं और कोई उन्हें गलत समझा रहा है, ऐसा भी नहीं है, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली यही दिख रहा है कि उन्होंने खुद ने अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर लिया है और कंफ्यूज है, तो अभी कुछ बोलना नहीं चाहते, लेट्स सी फाइनल वो आपके लिए क्या डिसीजन लेंगे, क्या आउटकम उनके लिए आ रहा है यहाँ पर, तुला राशि के पार्टनर फाइनली उनके लिए क्या डिसीजन लेने वाले हैं। कॉन्शियसनेस, यस, इनोसेंस,
करेज, दो दो करेज के कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, द क्रिएटर, एग्जोशन। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनके साथ, उनको लगता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ है, अगर उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रहने से वो बहुत लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि आपके साथ रहने से वो हैप्पी रह सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आगे कदम बढ़ाएंगे। नहीं तो यहाँ पर वो मूव ऑन तो नहीं लग रहा है मुझे कि बिल्कुल मूव ऑन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पहले आप में ये चीज़ें देखेंगे। तो आपको अभी कैसा बनना है ये आपको डिसाइड करना है। बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश ना करें, उनकी पहचान बनने की कोशिश करें, उनके साथ उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें, बहुत सारा प्यार, अनकंडीशनल लव अपने मन में रखें, वो भी निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के। बहुत ही आप में जब उनको एक छोटा सा बच्चा भी नज़र आएगा और प्यार भी नज़र आएगा और एक रेस्पेक्ट भी नज़र आएगी, तो डेफिनेटली वो आपके साथ ज़रूर आएंगे। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो थोड़ा सा वेट करेंगे, बात करने की कोशिश वो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आप में ये सारी क्वालिटीज चाहिए, इसलिए वो थोड़ा पेशेंस रख रहे हैं। आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं अट्रैक्शन के साथ ही उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी घुटन सी होने लग जाती है, कभी कभी बहुत ही ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आ गया या कहाँ आ गई। तो ऐसी सिचुएशन आती है तब वो मूव ऑन करने की सोचने पे आ जाते हैं। तो आपके मन में उनके प्रति अगर अनकंडीशनल लव हुआ, उन्हें नज़र आया कि बहुत अनकंडीशनल लव है, बहुत प्योर लव है, और फेथ है उसे मुझ पे, ट्रस्ट है उसे मुझ पे, विश्वास है, और कहीं ना कहीं वो मुझे सपोर्ट कर रहा है इंसान हर तरह से, फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली, अगर आपका सपोर्ट उनको मिलता है तो वो डेफिनेटली आपके साथ रहने वाले हैं। लिब्रा राशि, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको गाइडेंस मिली होगी कि आपको इस रिश्ते में किस तरह बिहेव करना चाहिए। और रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी न्यू रीडिंग आए आप तक उसका मैसेज पहुंच सके। थैंक यू सो मच।